हे गाइस यार, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग के लिए ना तुम्हारा भाई लेके आ चुका है एक बहुत ही ख़तरनाक फ़ोटो एडिटिंग, जिससे ना आप अपने फ़ोटो को बहुत ही इजी स्टेप, जैसे कि आपको पता ही होगा कि पिक्सल एप्लीकेशन आपको यूज़ करना नहीं आता होगा, ठीक है। पिक्सल एप्लीकेशन में कौन कौन सा टूल्स को यूज़ करके आप अपने फ़ोटो को कुछ इस टाइप से बना सकते हैं, प्रोफेशनल टाइप के, मतलब देख सकते हैं यार कितना ख़तरनाक जो मेरा फेस एंड बैकग्राउंड बना है वो आप देख ही सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको सेम इसी तरह आपको अगर फ़ोटो एडिटिंग करके इंस्टाग्राम में धमाल मचाना है, इंस्टाग्राम में बहुत ही ज़्यादा वायरल होता है कुछ इस टाइप से फ़ोटो को बना के अगर आप अपलोड करते हैं तो, ठीक है। और अगर आपको इसी तरह सेम फ़ोटो एडिटिंग करना है तो इस वीडियो को आपको बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक देखना है, एकदम फुल वॉच करना है, ठीक है। एंड आपको ना 100% गारंटी के साथ बोल दी कि कुछ इस टाइप से एडिटिंग आपको सिखा देंगे एंड बहुत ही इजी है। आप वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि कौन कौन सा ऐप, मतलब ऐप्स को यूज़ करके और इस तरह का फ़ोटो बनाया जाता है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को कर लेते हैं शुरू। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने फ़ोटो को शेयर कर लेना है पिक्सल एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। एंड आपको ये ट्रिक ना बहुत ही कम भाई लोग जानते हैं, ठीक है, बहुत ही कम भाई लोग आप लोग को बताए होंगे। एंड सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ से हम प्रोसेस दिखा देते हैं कैसे अपने फ़ोटो को प्रोफेशनल टाइप के बनाया जाता है, ठीक है। एंड फुल HDR में आपको अपने फेस को बना के दिखाने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पिक्सल में शेयर कर लेना है। एंड यहाँ से देख लीजिए, आपको टूल्स का ऑप्शन दिख जाएगा इधर, टूल्स, ठीक है। एंड टूल्स पे सबसे पहले क्लिक करना है और एडजस्ट है ना फ्रेंड्स, आपको इस पर सिंपली क्लिक करना है। एंड यहाँ से सिचुएशन पे सबसे पहले आ जाना है। एंड सिचुएशन को आपको हाई कर देना है कुछ इतना, ठीक है, आपको स्लाइड कर देना है, 37+ कर देना है। एंड क्लैरिटी को आपको इतना बढ़ा देना है। एंड देख सकते हैं आपका फेस में जो क्लैरिटी है ना वो काफ़ी ख़तरनाक आ जाएगा। और थोड़ा सा आपको कॉन्ट्रास्ट को, मतलब 2 या 4 आपको प्लस करना है, ठीक है। हम तो यहाँ से 4+ कर लेते हैं, सॉरी 5 हो चुका है, ठीक है, बट कोई नहीं, आपको 5 भी रख लेना है। एंड यहाँ से ना देख सकते हैं हाईलाइट, ये आपको माइनस करना है कुछ इतना। तो देख सकते हैं जो हाईलाइट से क्या होता है फ्रेंड्स, जहाँ जहाँ आपका लाइट ज़्यादा रहता है ना वो थोड़ा सा एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ से हाईलाइट को थोड़ा सा माइनस कर देते हैं, कुछ आपको 40 के आसपास रखना है, ठीक है। माइनस शैडो को आपको थोड़ा सा बढ़ा देना है एंड डन। इतना करने के बाद से आपको यहाँ से देख सकते हैं डन पे क्लिक करना है, तो आप अपने फ़ोटो को देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। तो इसमें जो क्लैरिटी एंड शैडो वडो जो है सब एडजस्ट हो चुका है, ठीक है। एंड आपको यहाँ से सबसे पहले क्या करना है, फिर से एक बार टूल्स पे आ जाना है और रिसेज पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको देख लेना है अपना जो भी रेज सेटिंग वटिंग। मेरा जो है ये है ना कैनन का फ़ोटो, ठीक है। तो कैनन का फ़ोटो थोड़ा सा, मतलब इसमें सिचुएशन ज़्यादा ही रहता है, ठीक है। तो आपका निकोन का होगा तो आप सिचुएशन अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ से आपको आना है सबसे पहले ड्रॉ में। ड्रॉ पे आने के बाद से गाइस यार आपको यहाँ से 3 डॉट पे क्लिक करना है एंड सेव टू इमेज कर देना है और आपको लेके चलना है अपने फ़ोटो को Lightroom एप्लीकेशन के अंदर। सो गाइस यार, आपको Lightroom में शेयर करने के बाद से फ़ोटो को क्या करना है, आपको यहाँ से एडजस्ट कुछ नहीं करना है, ठीक है। एडजस्ट करने से आपका जो इधर देख लीजिए, मेरा जो है ना वो अलग कलर है एंड इधर थोड़ा अलग कलर है, पीला है। तो एडजस्ट करने से ये सब जो आ जाता है, ठीक है। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, तुम्हारा भाई है यहाँ, ठीक है। क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है एंड टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आपको ज्वाइन हो जाना है। एंड ये वाला जो प्रीसेट है ना आपको सिंपली डाउनलोड कर लेना है एंड यहाँ से 3 डॉट पर क्लिक करना है, कॉपी सेटिंग पर जाना है, आपको कॉपी कर लेना है सब कुछ और सिंपली अपने फ़ोटो पे आ जाना है। जो भी हम स्टेप बता रहे हैं गाइस, तो ये वाला बैकग्राउंड एंड इस तरह का फ़ोटो को अगर एडिटिंग करना है तो सेम स्टेप को आप फॉलो कीजिएगा, ठीक है। तो सिंपली आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है एंड पेस्ट सेटिंग पे क्लिक कर देना है एंड आपका फ़ोटो कुछ इस टाइप से वालसा बन जाएगा। देख सकते हैं मेरा फ़ोटो कितना ख़तरनाक जो बन चुका है, ठीक है, वो भी 1 क्लिक में। एंड पिक्सल एप्लीकेशन को अगर आप सही से यूज़ करना नहीं जानते ना तो आप ये वीडियो को आपको जरा सा भी स्किप करना ही नहीं है, ठीक है। आपके लिए बहुत ही ख़तरनाक वीडियो होने वाला है, ठीक है। तो सिंपली आपको यहाँ से क्या करना है, बस Lightroom में इतना ही करना है आपको, ठीक है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रीसेट को डाउनलोड करना है। एंड यहाँ से आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट एस पे क्लिक करना है और यहाँ से हम थोड़ा प्रीसेट को
एक्सपोर्ट कर रहे थे इसलिए DNG में था, आपको JPG में करके और एक्सपोर्ट कर लेना है। सो गाइस यार एक्सपोर्ट करने के बाद से आपको क्या करना है, देख सकते हैं मेरा जो फोटो वो एक्सपोर्ट हो चुका है, ठीक है, आ चुका है गैलरी में। एंड आपको क्या करना है, यहाँ से शेयर का ऑप्शन होगा, शेयर पे क्लिक करना है। एंड ये सब स्टेप को आपको ज़रा सा भी स्किप नहीं करना है, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले स्नैपचैट एप्लीकेशन में शेयर कर लेना है, ठीक है। एंड यहाँ से आपको टूल्स पे क्लिक करना है और यहाँ से सेलेक्टिविटी पे क्लिक करके, और इधर देखिए मेरा ब्लैक है, ठीक है, तो सिंपली आपको ब्लैक पे रखना है। एंड ब्रश लाइट को आपको इनक्रीज कर देना है, जिसमें आपको ना फेस स्मूथ करने में मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा एंड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इधर स्लाइड कर करके जहाँ मेरा ब्रश लाइट कम है हम वहाँ रख रख के इस तरह रख के और इसको इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है। तो सिंपली आपको ये सब स्टेप को ध्यान से देखना है। एंड हेयर, जो हेयर है ना गाइस, आप लोग के लिए हेयर ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हेयर में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो सिंपली आपको हेयर पे ऐसे रखना है, ब्रश लाइट को कम करना है एंड कॉन्ट्रास्ट को आपको थोड़ा सा बढ़ा देना है, यहाँ से सिचुएशन को आपको मैनेज कर देना है एंड डन पे क्लिक कर देना है। तो गाइस यार इतना करने के बाद से आपको सिंपली यहाँ से देख लीजिए, फिर से एक बार टूल्स पे आ जाना है और यहाँ पोर्ट्रेट आपको दिख रहा होगा ना, पोर्ट्रेट पे सिंपली आपको क्लिक करना है। एंड फेस ट्यून, देखिए फेस ये लाना आपको सिंपली मैनेज कर देना है, जीरो रखना है, ठीक है। एंड आईज क्लैरिटी आपको इसको आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, अपने फ़ोटो के हिसाब से, अगर क्लैरिटी रखना चाहते तो रख सकते हैं, नहीं रखना चाहते तो नहीं भी रख सकते हैं। तो हम यहाँ से थोड़ा सा इसको रख लेते हैं 17 के आसपास में। एंड स्किन स्मूथिंग, ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो ये वाला आपको हमेशा मतलब 60 के आसपास ही रखना है, ठीक है। एंड ये स्टेप ना, ये इसको अगर आप यूज़ करके फ़ोटो को स्मूथ करते ना, आपका फ़ोटो बहुत ही ख़तरनाक बनने वाला है, ठीक है। तो हम यहाँ से सिंपली इसको थोड़ा सा बढ़ा लिए, 60 रख लिए, डन पे क्लिक कर दिए, ठीक है। तो देख सकते हैं मेरा जो फ़ोटो का प्रोफेशनल लुक आ चुका है, देखिए फ्रेंड्स बिफोर एंड आफ्टर थोड़ा सा स्मूथिंग लुक आ चुका है, ठीक है। एंड आपको क्या करना है, यहाँ से देखिए टूल्स पे एक बार और क्लिक करना है और थोड़ा सा आपको सिचुएशन को बढ़ा लेना है, ठीक है। देख सकते हैं सिचुएशन को आपको पूरा यहाँ से हाइक कर देना है और सिंपली आपको डन पे क्लिक करना है, इस पे जाना है एरो मार्क पे, व्यू एडिट पे जाना है आपको, फिर यहाँ से टून इमेज में जाना है, ब्रश को सिलेक्ट करना है और इस पे क्लिक करके और सिंपली आपको यहाँ से जीरो रखना है, ठीक है, इसको जीरो रखने देना है और अपने फेस पे से हटा लेना है इसको, ठीक है। ये जो ट्रिक है ना गाइस आपको कोई नहीं बताया होगा, पूरे यूट्यूब पे नहीं बताया होगा, ठीक है। अगर ये ट्रिक आप यूज़ करके अपने फ़ोटो को बनाते हैं तो बहुत ही मतलब ख़तरनाक आपका फ़ोटो बनने वाला है एंड इंस्टाग्राम में आप धमाल भी मचा सकते हैं ऐसे एडिटिंग करके, ठीक है। तो आप लोग का जो रहता है ना कि फेस को हम स्मूथ नहीं कर पाते हैं सही से, एंड कैसे किया जाता है यार हमको अभी तक ले पता ही नहीं है, इतना HD में फेस कैसे स्मूथ हो जाता है। तो गाइज यार ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है हम है यार, ठीक है। तो सिंपली आपको ऐसे बैकग्राउंड में रहने देना है एंड इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आपका फ़ोटो कुछ इस टाइप से बन जाएगा। एंड आपको क्या करना है, अगर यहाँ से देखिए डन पे क्लिक कर देना है और फिर से अपने फ़ोटो को शेयर कर लेना है पिक्सट एप्लीकेशन के अंदर। गाइस यार देख सकते हैं मेरा जो फ़ोटो आ चुका है पिक्सट एप्लीकेशन के अंदर। एंड आपको यहाँ से सबसे पहले बैकग्राउंड में जो कलर है ना उसको चेंज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इफेक्ट्स पे जाना है एंड यहाँ से आपको कलर सेलेक्ट कर लेना है, कलर्स, ठीक है, देख लीजिए ये वाला कलर। एंड फिर से इस पर क्लिक करना है और इधर देखिए मेरा जो ये वाला कलर है ब्राउन ट्यून कलर, आपको इस पर रखना है एंड इसको ना थोड़ा सा गुलाबी मतलब पिंक कलर रखना है एंड बैकग्राउंड ऐसे इरेज करना है और बैकग्राउंड सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। एंड डन पे क्लिक करना है और इसको आपको सॉरी पिंक कलर रखना है, ठीक है, मतलब गुलाबी जिसको बोलते हैं। एंड हम यहाँ से रख लेते हैं और यहाँ से आपको डन पे क्लिक कर देना है, ठीक है गाइस। तो इतना करने के बाद से आपको क्या करना है, फिर से आपको बैकग्राउंड को ब्लर करना है थोड़ा। तो सिंपली हम यहाँ से टून इमेज में जाते हैं, टूल्स पे जाते हैं और ये वाला ऑप्शन आपको दिख जाएगा, देख सकते हैं ये वाला, ठीक है। तो आपको इस पे जाना है और ये दोनों को आपको सटा देना है, ठीक है, पूरा ऐसे करके रख देना है और इसको नीचे स्क्रॉल कर देना है, ठीक है, रुक जाओ, ऐसे कर देना है, ठीक है गाइज। तो सिंपली हम इसको यहाँ से यहाँ देख लीजिए इरेज होगा, ऊपर में इरेज करना है और यहाँ से हम बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर देते हैं, डन पे क्लिक करते हैं और इसका अमाउंट आप जितना रखना चाहते हैं उतना रख सकते हैं। तो फाइनली हम यहाँ से रख लेते हैं 8, ठीक है। तो मेरा इतना ही काफ़ी है यार, आप लोग मतलब बैकग्राउंड जैसा भी आप लोग का अगर ब्लर होगा तो आपको नहीं रखना है, ठीक है। तो आप बैकग्राउंड को थोड़ा सा ब्लर कर सकते हैं,
अच्छा दिखेगा, फ़ोटो में लुक भी आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपली आपको इतना रखने के बाद से क्या करना है, अब PNG को ऐड करना है, ठीक है। तो हम यहाँ से PNG को ऐड करके दिखा देते हैं। सबसे पहले आपको जाना है इस पे, ठीक है, और ये वाले ऑप्शन पे आने के बाद से देख सकते हैं यहाँ से आपको कोई भी PNG को ऐड करना है। तो हम इस फोटो में जो यूज़ किए हैं वो ये सब PNG, ठीक है। तो पत्ता वाला हम यहाँ से रख लेते हैं और ऐसे करके आपको थोड़ा थोड़ा गिरा देना है, ठीक है। तो देख सकते हैं मेरा जो PNG है वो ऐड हो रहा है, ठीक है। एंड कुछ इतना ही ऐड करना है, ज़्यादा नहीं करना है। डन पे क्लिक करना है, फिर से एक बार और जाना है इस पर, और दूसरा PNG जो था इसमें, अब अगर आप सेम बैकग्राउंड बना रहे हैं तो ये सब PNG आपको देना ज़रूरी है, ठीक है। तो सेम बैकग्राउंड इसी तरह आपको बनाना है। तो हम यहाँ से थोड़ा सा इस पर क्लिक करके और साइज़ को छोटा करके और यहाँ से ऐसे रखना है आपको, एंड फिर से जहाँ जहाँ मेरा जो खाली रहेगा ना गाइस आपको उसी में रखना है, ठीक है, उसी पे डालना है। तो हम ऐसे करके कर लेते हैं एंड देख सकते हैं कितना फाल जो मेरा बैकग्राउंड है वो बन चुका है, देख, बिफोर एंड आफ्टर हो गया ना। तो और ये इसमें कुछ नहीं करना है, फेस को स्मूथ करना है, ठीक है। तो फेस को स्मूथ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एंड यहाँ से आपको देख सकते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ से ड्रॉप पे फिर से आ जाना है एंड फिर से आपको इस पर क्लिक करना है और सेव टू इमेज पे क्लिक कर देना है और फिर से आपको फ़ोटो को शेयर कर लेना है। ये जो लास्ट स्टेप है ना गाइस, ये आपके लिए बहुत ही मतलब बेहतरीन है, ठीक है। तो सिंपली आपको फेस को स्मूथ करने के लिए यहाँ से शेयर का ऑप्शन होगा, शेयर पे क्लिक करना है और फ़ोटो को शेयर कर लेना है ऑटोडेस्क स्केचबुक एप्लीकेशन के अंदर। एंड कौन सा ब्रश को आपको यूज़ करना है, 0% मतलब आपको 0% फेस स्मूथिंग नहीं आता, ठीक है, कुछ नहीं आता है। तो ये वाला ब्रश आपको सिलेक्ट कर लेना है, देख सकते हैं स्मूथ ब्रश, ठीक है, स्मूथ राउंड ब्रिसलेट ब्रश, ठीक है। तो ये ब्रश आपको सिलेक्ट करना है एंड फ्लो को 5, स्ट्रेंथ को 5 और साइज़ को अपने हिसाब से रख के, और गाइस यार आपको इस तरह करके स्मूथ कर लेना है अपने फोटो को एंड फुल HD क्वालिटी में आपका फेस जो ना स्मूथ होगा, ठीक है, देख सकते हैं। तो आपको शार्प जो वहाँ से आप बढ़ाए हैं ना क्या स्नैपसीड से, ठीक है, तो स्नैपसीड एप्लीकेशन से जो ये वाला स्मूथनेस को आप हाई किए वो आपको ना फुल HD क्वालिटी में स्मूथ करके देगा, ठीक है। तो ये स्टेप आपको ना जरा सा भी मिस नहीं करना है, आपको अपने फ़ोटो में हमेशा यूज़ करते रहना है एंड बहुत ही ख़तरनाक स्मूथ होगा आपका फ़ोटो, देख सकते हैं कितना ख़तरनाक हो रहा है, ठीक है। इधर हम दिखा देते हैं आपको कैसे मेरा फेस जो स्मूथ हो रहा है। तो गाइस यार आप देख ही सकते हैं कि मेरा जो फ़ोटो है वो बहुत ही हार्ड बन चुका है, अभी देख सकते हैं इतने स्टेप में फॉलो करने के बाद से। तो आप सेम स्टेप को फॉलो करके ना इस तरह का फ़ोटो को एडिटिंग कर सकते हैं एंड बहुत ही ख़तरनाक होगा। एंड अगर आप फेस को गोरा नहीं कर पाते तो यहाँ से हम थोड़ा सा दो स्टेप बता ही देते हैं आपको, इस पे जाना है एंड डुप्लीकेट लेयर पे लेना है आपको, एक बना लेना है, यहाँ से जाना है आपको सॉफ्ट लाइट पे, ठीक है, देख सकते हैं सॉफ्ट लाइट ये वाला, ठीक है, इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको ये वाला ब्रश से ना ये वाला ब्रश गाइज आपको ये वाला सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आपको इस पे जाना है एंड यहाँ से देख सकते हैं V4, ठीक है, ये वाला पे आपको सेलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ से आपको कलर चूज कर लेना है, ठीक है, सॉरी कलर हम रख लेते हैं थोड़ा सा वाइट कलर, देख सकते हैं ये वाला कलर, ठीक है। एंड आपको ना कुछ इस टाइप से करके और ब्रश करना है एंड आपका फेस जो है ना गाइस बहुत ही ख़तरनाक मतलब बहुत ही हार्ड HD में बनेगा और आप इस तरह करके अपने फेस को गोरा भी कर सकते हैं, देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना ख़तरनाक जो मेरा फेस है वो गोरा हो रहा है ना। तो सिंपली आपको इसी तरह करके अपने फेस को गोरा करना है एंड स्मूथ हम अभी नहीं किए गाइस क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। अगर आप स्मूथिंग नहीं जानते हैं तो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं जो कि कल ही अपलोड किया है, वो वीडियो में आप स्मूथनेस को सीख सकते हैं, बहुत ही ख़तरनाक है वो वीडियो, मतलब स्मूथिंग के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो आप इस तरह करके अपने फेस को गोरा भी कर सकते हैं, देख लीजिए हो रहा है ना मेरा फेस गोरा। तो ये सब ट्रिक आपके लिए ना कोई नहीं बताया होगा, आप लोग ये सब ट्रिक को यूज़ करके और इंस्टाग्राम में आप फेमस भी हो सकते हैं, मतलब आपका फ़ोटो वायरल हो सकता है, ठीक है। तो जिधर मेरा स्मूथ हुआ है ना वो देख सकते हैं, उधर का पार्ट देख लीजिए कितना ख़तरनाक लग रहा है ना पूरा HD। और यहाँ से हम थोड़ा सा साइज़ को थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है,
आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, एंड वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। हाँ, और तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।